हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बुक्स ब्रेन। हर कोई कभी ना कभी अपना स्टार्टअप करने की सोचता है, लेकिन बहुत से लोग इसे गलत तरीके से शुरू करते हैं। इसलिए लगभग 95% स्टार्टअप शुरू होने के 3 महीने में ही दम तोड़ देते हैं। इसलिए अगर आपका ड्रीम भी कभी अपना स्टार्टअप शुरू करने का है तो ये बुक आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए, जिसका नाम है रीवर्क। इस किताब के बारे में जाने माने अमेरिकन इन्वेस्टर मार्क क्यूबन ने कहा था कि अगर उनके सामने दो लोग हो और उनमें से एक ने MBA किया हो और दूसरे ने रीवर्क किताब पढ़ी हो, तो वे उसे चुनेंगे जिसने रीवर्क किताब पढ़ी होगी। तो इससे आपको इस किताब की इम्पोर्टेंस समझ में आ गई होगी, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड नाउ लेट्स बिगिन। पॉइंट नंबर 1, स्क्रैच योर ओन इच। अगर आपको किसी प्रोडक्ट का आइडिया नहीं मिल रहा है, तो सबसे पहले यह देखो कि आपको क्या प्रॉब्लम है, फिर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढिए, तो वही सॉल्यूशन आपका प्रोडक्ट बन सकता है। इसी को ऑथर ने स्क्रैच योर ईच कहा है। ईच का मतलब है आपको प्रॉब्लम हुई और उसे मिटाना सॉल्यूशन हुआ। इसे कुछ एग्जांपल से समझते हैं। नाइक, जूतों की फेमस कंपनी नाइक के बारे में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन इसके शुरू होने का किस्सा बहुत रोचक है। अमेरिका के एथलेटिक्स के कोच बिल बोवरमैन ऐसे जूते ढूंढ रहे थे जो बेहद स्ट्रांग हो लेकिन बेहद हल्के भी हो। उन्होंने बहुत ढूंढा, लेकिन ऐसे जूते उन्हें कहीं नहीं मिले। इसलिए उन्होंने अपनी वर्कशॉप में लेदर और आयरन का उपयोग करके खुद ही ऐसे जूते डिजाइन कर दिए। इस तरह उन्होंने अपनी प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व कर ली। इन जूतों से एथलेटिक्स की रनिंग स्पीड बहुत बढ़ गई और इस तरह नाइक जैसी कंपनी शुरू हो गई, जो आगे चलकर पूरे वर्ल्ड में फैल गई। तो दोस्तों, बिल की प्रॉब्लम थी अच्छे रनिंग जूतों का ना होना, और उन्होंने उसी का सॉल्यूशन निकाला जो उनका प्रोडक्ट बन गया। इसलिए आप भी देखिए कि आपको किसी काम में क्या परेशानी होती है, और फिर उसका सॉल्यूशन ढूंढने में जुट जाइए। हो सकता है कल को आपके प्रोडक्ट भी सारी दुनिया में इस्तेमाल होने लगे। पॉइंट नंबर 2, स्टार्ट अ बिजनेस नॉट अ स्टार्टअप। आजकल हम युवाओं द्वारा स्टार्टअप शब्द का इस्तेमाल एक फैशन जैसा हो गया है, जिसे देखिए यही कहता है यार मैं स्टार्टअप करना चाहता हूँ। जब लोग स्टार्टअप करते हैं तो शुरू में ही एक्सपेंसिव इक्विपमेंट खरीद लेते हैं, प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट में पैसा वेस्ट करने लगते हैं और बहुत सी फंडिंग भी जुटा लेते हैं। ज़्यादा फंडिंग लेने से उन्हें इन्वेस्टर्स के इशारों पर नाचना पड़ता है, उनका खुद का विजन खो सा जाता है। इसलिए लेखक कहते हैं कि स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योर जैसे फैंसी शब्दों के भ्रम से दूर रहे, बल्कि खुद को एक बिजनेसमैन की तरह देखे। इसके लिए आपको ना कोई डिग्री चाहिए ना ही सूट बूट, ज़्यादा पचड़ों में ना पड़े, अपना बिजनेस डायरेक्टली स्टार्ट कर दीजिए। जो कुछ आपके पास है उसी का उपयोग करिए, फिर धीरे धीरे बिजनेस को स्केल अप करते जाइए। जैसे शुरू में एंड्रॉयड का बहुत ही सिंपल वर्जन लॉन्च हुआ था, इसके पॉपुलर होने के बाद उसमें अपडेट होते गए और अब तो आए दिन नए नए वर्जन आते रहते हैं। ऐसे ही शुरू में बहुत सी फंडिंग लेकर बहुत से लोगों को प्रोडक्ट ना बेचे, इससे आपके प्रोडक्ट में कोई भी क्वालिटी नहीं आ पाएगी। शुरू में कुछ ही लोगों को अपना प्रोडक्ट बेचे, उनका फीडबैक ले और इम्प्रूव करते जाए। अगर लोगों को आपका प्रोडक्ट पसंद आ गया तो वे खुद ही दूसरों को बता देंगे। आपको अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइजमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और आपका बहुत सा पैसा बच जाएगा। इस स्ट्रेटेजी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल राधाकृष्ण दमानी जी का है, जिन्होंने डीमार्ट का पहला स्टोर मुंबई के पवाई में शुरू किया था। जब वह चल निकला तो उससे जो प्रॉफिट हुआ उससे उन्होंने और स्टोर खोल लिए। इसी तरह आज उनके सारे इंडिया में 200 से भी ज़्यादा स्टोर बन चुके हैं और वे बिलियनियर बन चुके हैं। इसलिए स्टार्टअप जैसे फैंसी शब्दों से बचे और अपने प्रोडक्ट को बिजनेस की तरह बेचना शुरू करें। पॉइंट नंबर 3, स्टार्ट एट द EP Center। जब भी आपको बिजनेस स्टार्ट करना हो तो EP Center से स्टार्ट करें, जिसका मतलब है सबसे ज़रूरी चीज़ पर फोकस करें। जैसे अगर आपको रेस्टोरेंट शुरू करना है तो सबसे ज़रूरी चीज़ कौन सी होगी, टेस्टी फूड या शानदार फर्नीचर? सबको पता है कि फूड बहुत अच्छा होना चाहिए, तो यहाँ फूड ही EP Center हुआ। आपको पता ही होगा कि अगर फूड आइटम अच्छी होती है तो लोग सड़क किनारे से भी खरीद कर खाते हैं, लेकिन बहुत से लोग उल्टा करने लग पड़ते हैं। वे EP Center पर ध्यान ना देकर दूसरी फालतू चीज़ों पर ध्यान देने लगते हैं, जैसे रेस्टोरेंट की डेकोरेशन पर खूब सारा पैसा खर्च कर देंगे, जबकि उन्हें वह पैसा अच्छे शेफ और फूड की क्वालिटी पर खर्च करना चाहिए। मान लीजिए अगर आपको घर बनाना हो तो सबसे पहले क्या करोगे, तो सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, फैंसी लाइट्स और फर्नीचर आदि तो बाद की बात है।
इसीलिए पहले सेंट्रल या मेन आइटम पर फोकस कीजिए, तभी आपका बिजनेस सफल होगा। पॉइंट नंबर 4, पोर योरसेल्फ इनटू द प्रोडक्ट। लेखक कहते हैं कि आपके प्रोडक्ट में आपकी पर्सनैलिटी नज़र आनी चाहिए। आप अपने प्रोडक्ट को डिफाइन करने के लिए उसमें पूरी तरह से रम जाइए, उसे इतना अच्छा बना दीजिए कि कंपटीशन अपने आप ही खत्म हो जाए। आपने देखा होगा कि जब आप किसी कंपनी के कस्टमर केयर में बात करते हैं तो वे लोग रोबोट की तरह बात करते हैं, उनमें कोई ह्यूमन टच नहीं होता। इसके उल्टा जैपोस नाम की जूतों की कंपनी जब शुरू हो रही थी तो उनके कस्टमर केयर की सब मिसाल देते थे। उनके कर्मचारी आपसे दोस्त की तरह बात करते थे और आपकी कंप्लेन पर जल्दी से रिएक्ट करते थे। इससे कस्टमर्स को बहुत ही अच्छा यूजर एक्सपीरियंस मिलता था। इस तरह जैपोस के ओनर ने अपने प्रोडक्ट को एक पर्सनल टच दिया था और आगे चलकर वह एक बहुत बड़ी कंपनी बन गई और उसे अमेज़न ने खरीद लिया था। पॉइंट नंबर 5, अवॉइड मीटिंग्स। बेवजह की मीटिंग्स दूसरों का बहुत सा टाइम वेस्ट करती है। ज़्यादातर लोग मीटिंग्स में सिर्फ अपना ओपिनियन रखने के लिए आते हैं, फिर दिखाना चाहते हैं कि वे बहुत महान सोचते हैं, लेकिन इस तरह सब लोग अपना अपना ओपिनियन रखते हैं और असली काम को कोई दिशा नहीं मिल पाती। इसके अलावा इंटेलिजेंट लेकिन शाय लोग ज़्यादा बात नहीं करते और उनका वैल्यूएबल पॉइंट कोई नहीं सुनता, इसलिए अच्छा है कि ज़्यादा मीटिंग्स अवॉइड करें। लेकिन हाँ, मीटिंग को पूरी तरह से हटाया नहीं जा सकता, अदरवाइज आप इम्प्लॉयज से फीडबैक नहीं ले पाएंगे और वर्क प्रोग्रेस का भी पता नहीं चलेगा। इसलिए कम मीटिंग रखें और उनका टाइम भी सीमित कर दे ताकि टाइम वेस्ट ना हो। मीटिंग के शुरू में ही टाइमर लगा दे, जैसे ही अलार्म बजे तो मीटिंग खत्म कर दे। पॉइंट नंबर 6, कीप इट सिंपल। जब सभी कंपनी रैम और GHZ के बारे में बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, उसी समय स्टीव जॉब अपना आईपॉड लेकर आ गए। उनका बहुत ही सिंपल मोटो था, 1000 गाने आपकी पॉकेट में, और लोगों ने धड़ाधड़ ये प्रोडक्ट खरीदना शुरू कर दिया। इसलिए दोस्तों, अपने कस्टमर्स के लिए चीज़ों को आसान रखिए। चाहे अंदर कितनी भी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया हो, लेकिन प्रोडक्ट बहुत ही यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए। पॉइंट नंबर 7, फेल मैनी टाइम्स। बहुत से लोग फेल होने से इतना डरते हैं कि वे कुछ शुरू ही नहीं कर पाते, जबकि ऑथर कहते हैं कि फेलियर एक पॉसिबिलिटी नहीं होती बल्कि नेसेसिटी होती है। हर सफल आदमी के पीछे बहुत से फेलियर होते हैं जो लोगों को नज़र नहीं आते। इसलिए आप फेल होने से मत डरिए, बल्कि यह सोच बनाइए कि मैं बार बार फेल होने के लिए तैयार हूँ। हर फेलियर आपको कुछ ना कुछ सिखा कर जाएगा, बस उस सीख को अपनाकर अपनी गलती को सुधारिए और अपने प्रोडक्ट आदि को इम्प्रूव कीजिए, लेकिन हमेशा आगे की ओर बढ़ते रहिए। पॉइंट नंबर 8, हायर लेस एम्प्लॉयज। शुरू में जितने एम्प्लॉयज ज़रूरी हो उतने ही हायर कीजिए और सिर्फ क्वालिटी एम्प्लॉयज ही हायर कीजिए, क्योंकि इनएफिशिएंट एम्प्लॉय आपकी कंपनी के लिए घातक सिद्ध होंगे। हायर करते समय आप सिर्फ उनकी क्वालिफिकेशन पर ध्यान मत दीजिए, बल्कि उनके द्वारा दिए गए कवर लेटर को भी ध्यान से पढ़िए, जिससे आपको पता चलेगा कि उनके सोचने का ढंग कैसा है, क्या उन्होंने वह खुद लिखा है या कहीं से कॉपी पेस्ट कर लिया है। इसके साथ यह भी देखिए कि मार्क्स के अलावा उन्होंने लाइफ में और क्या क्या कर रखा है। हायर करने के बाद आप अपने एम्प्लॉयज़ को फ्री हैंड दीजिए, हर चीज़ में नुक्स मत निकालिए। उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि आप उन पर पूरा ट्रस्ट करते हैं, इससे एम्प्लॉयज़ पूरी लगन से काम करेंगे। तो जब भी आप अपना बिजनेस शुरू करें तो इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखें, इससे आप एक सफल बिजनेसमैन बन पाएंगे। और अगर आप बिजनेस की और डीपली नॉलेज चाहते हैं तो हमारी बिजनेस पर बनी प्लेलिस्ट की वीडियोस ज़रूर देखें, जो आपको इस वीडियो के एंड स्क्रीन में मिल जाएंगी। तो गाइस, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप ये बुक पढ़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर खरीद सकते हो। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अंत में थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।